आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद सैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साधिया। सदर वाइस आर तेलंगाना पार्टी शर्मिला ने कहा है कि अंग्रेजों और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव में कोई बड़ा फर्क नहीं है। उन्होंने पार्टी ऑफिस लोटस पाउंट में यौम आजादी के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में खवातीन का कोई एहतराम नहीं है। रियासत में वाइन बेल्ट शॉप्स और पब्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। शर्मिला ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने 38,000 एकड़ अराजी फरोख्त कर दी है। शर्मिला ने मजीद कहा कि चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मंशूर में शामिल वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मरकज तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर वाकये को दर्दनाक करार दिया और कहा कि अब तक 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल, जलधि, तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। ईरोजु 77వ స్వతంత్ర దినోత్సవం ఈ సందర్భంగా వచ్చిన మీ అందరికీ యావత్ 4 కోట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు, భారతదేశ పౌరులందరికీ కూడా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మనస్ఫూర్తిగా స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం భారతదేశం గొప్పదనం. ఎన్నో కులాలు, ఎన్నో మతాలు, ఎన్నో భాషలు, ఇదే మన గొప్పతనం. కానీ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని కాపాడే విధంగా లేకపోగా డివైడ్ అండ్ రూల్ అన్న పద్ధతిలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనుసరించిన డివైడ్ అండ్ రూల్ అన్న పద్ధతిలో పాలన సాగుతుంది. ఇటీవల ఉదాహరణ तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन करीमनगर की दावत पर सरदार रविंदर सिंह ने मुस्लिम एजुकेशनल वो सोसाइटी करीमनगर के जेर एहतमाम चलने वाली मुफ्त टेट कोचिंग से इस्तेफादा हासिल करने वाले तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अपना एक ही मकसद मुलाजिमत रखते हुए तालीम हासिल करें और मुलाजिमत हासिल करें। और इस मौके पर तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी मैदान में हर मुमकिन मदद करने के लिए वो तैयार है। ऐसे खुद गरज माहौल में बगैर किसी जाती मुफाद और किसी बदले की उम्मीद रखते हुए तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन और मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर जो खिदमात पेश कर रहा है वो काबिले तारीफ है और वो मुस्तकबिल में मैं आपके हर काम में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस मौके पर तलबा की जानिब से सरदार रविंदर सिंह की शॉल पोशी की गई। इस मौके पर सैयद अफजल मोहुद्दीन, हाफिज सैयद मुथर उद्दीन, हाफिज अब्दुल मजीद इश्तियाक, मोहम्मद इजहार हुसैन, हाफिज मोहम्मद यासीन के अलावा तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। नारायण पेट मुस्तखीर पर वाक़े कदीम तरीन दीनी दरसगाह दारुल उलूम दीनिया जामा मस्जिद में यौम आज़ादी की तकरीब बड़े ही जोश व खरोश से मनाई गई। मदरसे के अहाते में कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना बड़े ही उम्दा अंदाज में पढ़ा। इस मौके पर सरद मुअल्लम मौलाना मुफ्ती शिफात अली निज़ामी, हाफिज फखरुद्दीन ताज, हाफिज गौस उद्दीन, हाफिज खिताल हुसैनी मोहम्मद गौस व दीगर मौजूद थे।
निजामाबाद में बीजेपी को झटका लगा, जबकि आरमोर हल्के इंचार्ज विनय कुमार ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। वो जल्द कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। निजामाबाद एमपीडी अरविंद की मुबैना हरासानी पर विनय कुमार ने मुस्तफी होने का फैसला किया है। मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर मरकजी वजारत दाखिला ने मुल्क भर के 954 पुलिस अहदेदारों के लिए पुलिस मेडल्स का ऐलान किया है। हर साल यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस अहदेदारों को नुमाया खिदमात के लिए ये अवार्ड्स पेश किए जाते हैं। मुल्क के 229 अहदेदारों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री का ऐलान किया गया। 82 अहदेदारों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल्स और 642 अहदेदारों के लिए विशिष्ट सेवा मेडल्स का अहतमाम किया गया। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर के अहदेदारों की अक्सरियत है और वहां के 55 अहदेदारों के लिए यह अवार्ड पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र से 33, सीआरपीएफ के 27 अहदेदार, छत्तीसगढ़ से 24 अहदेदारों को ये अवार्ड पेश किए जाएंगे। जारिया साल राष्ट्रपति गैलेंट्री पुलिस मेडल्स के लिए सीआरपीएफ के अहदेदार एवीबोनचू सिंह का इंतखाब किया गया। तेलुगु रियासतों से भी अवार्ड के लिए अहदेदारों का इंतखाब किया गया। तेलंगाना से 34 और आंध्र प्रदेश से 29 अहदेदारों के लिए अवार्ड का ऐलान किया गया। तेलंगाना के 22 अहदेदारों को पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री के लिए मुंतखब किया गया। 2 अहदेदारों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पुलिस मेडल दिया जाएगा। 10 अहदेदारों का इंतखाब पुलिस विशिष्ट सेवा मेडल के लिए किया गया है। आंध्र प्रदेश के 18 अहदेदारों को पुलिस मेडल बराए गैलेंट्री दिया जाएगा। 1 अहदेदार को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल के लिए मुंतखब किया गया, जबकि 10 अहदेदारों को पुलिस विशिष्ट सेवा मेडल दिए जाएंगे। तेलंगाना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजय कुमार, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस एम रमना कुमार और आंध्र प्रदेश से एडिशनल डीजीपी एस बागची को राष्ट्रपति पुलिस विशिष्ट सेवा मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। भोपाल गैस सानिया में बेवाह हुई खवातीन ने एहतजाज करते हुए अपनी पेंशन को 600 रुपए से 1000 रुपए महाना करने का मुतालबा किया। इन बुजुर्ग खवातीन ने लाडली बहना स्कीम के बराबर अपनी पेंशन को बहाल करने की बात कही। रियासत मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में 1984 में पेश आए गैस सानिया में लाखों लोगों की जान चली गई थी, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। लेकिन वहीं बड़ी तादाद में वो खवातीन जिनके मर्दों का इंतकाल हो गया वो बेवा हो गई, जिसके बाद हुकूमत से बार बार उनकी पेंशन की बहाली करने का मुतालबा किया गया और बार बार के मुतालबात के बाद हुकूमत ने 600 रुपए महाना इन बेवा खवातीन की पेंशन शुरू की। लेकिन वहीं इस महंगाई के दौर में ये बेसहारा बुजुर्ग बेवा खवातीन चाहती हैं कि उनकी पेंशन को हुकूमत लाडली बहना स्कीम के तहत दिए जाने वाले 1000 की रकम के बराबर बहाल की जाए। वहीं इन खवातीन के लिए काम कर रही तंजीम के जिम्मेदार बाल कृष्णा यादव ने बताया कि ये तमाम बुजुर्ग बेवाओं और माजूर खवातीन के लिए एक शरह से समाजी तहफ्फुज की पेंशन में 600 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी स्कीम में उम्र की हद का खात्मा करते हुए और तमाम गरीब खवातीन को शामिल करके महंगाई के तनासुब से हर साल पेंशन की रकम में 1000 रुपए तक का इजाफा किया जाए। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से लाडली लक्ष्मी स्कीम के तहत 23 से 60 साल की उम्र की खवातीन को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं और हमारी तंजीम रियासती हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि इन गैस मुतासरीन बेवाओं का ख्याल करते हुए हुकूमत जिस तरह से दीगर खवातीन के बारे में सोच रही है, इन बुजुर्ग बेवा खवातीन का भी ख्याल रखा जाए और उनकी पेंशन में इजाफा करके 1000 रुपए किया जाए। यही वजह है कि इन बुजुर्ग बेवा खवातीन ने भोपाल के नीलम पार्क में अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। गूगल मुख्तलिफ अहम मवाक़े के साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क की नामवर शख्सियात के एजाज में डूडल पेश करता है। गूगल ने 2004 में यौम आज़ादी के लिए पहला डूडल बनाया था और इसके बाद से हर साल मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में डूडल के जरिए इस दिन की अहमियत को जाहिर करता है। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने अपने यौम होम पेज पर मुल्क के 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर कपड़े की रिवायत को जाहिर करते हुए एक डूडल पेश किया है। डूडल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से किसानों, हुनरमंद टेक्सटाइल कारीगरों, बुनकरों, छपाई करने वालों और कढ़ाई करने वालों की इज्तिमाई कारीगरी को जाहिर किया गया है। इस डूडल में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के कपड़ों को दिखाया गया है। गुजरात की कच्ची कढ़ाई से लेकर उड़ीसा के नाजुक अकाद दस्तकारी और जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल से केरला के कासू दस्तकारी तक ये मुख्तलिफ नमूने एक साथ पेश किए गए हैं और दरमियान में कढ़ाई वाले हरूफ से गूगल लिखा गया है। गूगल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, तुनु विरसा कफीली, कुछ चीजें जो हिंदुस्तानी लिबास की अलामत है और हमारे मुल्क की तश्कील में उनका रोल है। हम 77वीं यौम आज़ादी के एजाज में इस गूगल डूडल के साथ कपड़े की इन रिवायात को मना रहे हैं।
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुटकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साधिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। थैंक यू फॉर यूनी स्टोन। నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్ తో చాలా బాధపడ్డా, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేశారు। ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనీ స్టోన్ వాళ్ళ పౌడర్ పంపించారు, అది తాగిన వెంబడే क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, जो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था ना कुछ, नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहें? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पर दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। RNS यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।